महंत नित्र गोपाल दास उस राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष हैं जिसके ऊपर बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य नित्य गोपाल दास निब्रहण आयोग की जांच में आरोपी भी हैं। नित्य गोपाल दास रिपोर्टर को बताते हैं कि कल्याण सिंह का इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है और उसी कारण से यह असंभव काम पूरा हो सका। नित्य गोपाल दास के अनुसार भगवान राम की कृपा से जो असंभव कार्य था वो संभव हो गया। वो लगे हुए उसी प्रकार से जैसे पहले राम की कृपा से जो असंभव कार्य था वो संभव हो गया। उसमें है सेना रेड्डी प्रधानमंत्री कल्याण सिंह, इनका बड़ा सहयोग रहा है। वो विवादित ढांचा था वो विराजमान ध्वस्त हो गया। तो एक बहुत बड़ा काम जैसे जो मुख्य था वो हो गया। राम लला विराजमान है वहाँ ये नहीं कहने के लिए होगा कि हाँ मस्जिद थी है, अब तो विशुद्ध राम लला है। पहले जितनी तेजी से काम हो रहा था लोग जुड़े थे पूरा। नित्य गोपाल दास रिपोर्टर को बताते हैं कि इस काम में आगे कोई भी गतिविधि अदालत की अवमानना होगी। जब गोपाल दास से यह पूछा गया कि क्या बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से आडवाणी दुखी थे, महंत नित्य दास ने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से या उनके महानता के अपनाने की मांग थी। महंत नित्य दास के अनुसार उन्होंने थोड़ा सा उस समय जो हल्ला मचा रहे थे तोड़ने जा रहे थे काफी वरिष्ठ नेता होने के नाते उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि भाई हाँ हाँ मत तोड़िए, ऐसे ही झूठ मूठ हल्ला गुल्ला, हम तो वहीं संकल्प में बैठे हुए थे। अडवाणी जी का उसी प्रकार से भाव है और भावना है, हम उनका सम्मान करते हैं, बुजुर्ग नेता है, पर अवस्था उनकी ज्यादा होने के कारण वो थोड़ी सक्रियता नहीं रह गई। और तो बाकी तो वो लगे हुए उसी प्रकार से जैसे पहले नहीं, पहले जैसे सोमनाथ से रथ चलाया नहीं, वो ठीक है ना, थोड़ी अवस्था ज्यादा होने के कारण से पूरा, इसलिए वो उनके प्रति हम लोगों की भावना है, उनका लक्ष्य भी है, हमारे साथ में भी है, परंतु वो थोड़ा सा अवस्था के कारण से पूरा। 6 दिसंबर को जब ढांचा ध्वस्त हुआ उस समय अडवाणी जी, हमने सुना, हमने कई संतों से मुलाकात की और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मुलाकात की, सबने यही कहा कि अडवाणी जी रोक रहे थे। बिल्कुल आप तो थे वहाँ पर, हम लोग थे, अडवाणी जी इत्यादि जितने विश्व हिंदू परिषद के सभी नेता थे, सभी लोग थे, कोई रोका टोका नहीं, पूजन कराए, इधर पूजन हो रहा था, उधर सब काम किया, सबकी रुचि थी, सबकी भावना जुड़ी हुई थी, ऐसी बात। अभी ये तो थोड़ा सा ऐसा है ना, जो भी नेता होता है या पद पर होता है उसकी मर्यादा होती है, तो उन्होंने थोड़ा सा उस समय जो हल्ला मचा रहे थे, तोड़ने जा रहे, तो एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उनका एक कर्तव्य हो जाता है कि भाई हाँ मत तोड़े। नित्य गोपाल दास की माने तो आडवाणी देश को बेवकूफ बनाने के लिए अनाप शनाप बातें करते थे। वो उस संकल्प को रोक सकते थे जो संतों ने बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए ली थी। आडवाणी ने निष्क्रिय रहकर मस्जिद को गिराने में मदद की। जब मस्जिद गिर गई तब वह अनजान और दुखी दिखाई दे रहे थे। केवल राष्ट्रीय स्तर के नेता होने की था, तो क्या करें
ऐसे झूठ मूठ हल्ला गुल्ला संकल्प हुआ, हम तो वही संकल्प वही बैठे हुए। संकल्प क्या संकल्प था? संकल्प ये हुआ कि वो ध्वस्त हो जाए। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुछ।